नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं हिंदी में ही बोलूँगी। ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ऋषि पंचमी भी है। ऋषि पंचमी के बारे में मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हैं कि नहीं। हिंदुओं का बहुत बड़ा व्रत होता है ये। समस्त हिंदू जाति की स्त्रियों को इस व्रत को करना चाहिए और आज मैंने भी ये व्रत किया है और सप्त ऋषि और ऋषि पत्नी की पूजा की है। अब मैं बहुत सिंपल सी पूजा करती हूँ और मैंने कहा बड़ा सारा बना दूँगी अभी व्लॉग पूजा के ऊपर। सब बोलेंगे दिन भर पूजा ही पूजा के बनाती है। अभी चौमासा चल रहा है तो अभी डेली ही त्यौहार वगैरह रहते हैं तो पूजा के ही व्लॉग बनते हैं। तो अब ये देखिए, मैंने इसलिए मैं वो बनाती हूँ। अभी मैंने क्या करा है, मैंने सूट के ऊपर ही ऐसे साड़ी का ओढ़ना पहन लिया है तो इसलिए ऐसे टिक नहीं रहा है। वो पिन लगाई हुई है यहाँ पे। अब आपको पूजा बता देती हूँ थोड़ी सी मेरी। ये देखिए, ये मैंने छोटी सी पूजा की है ऋषि पंचमी की। ऐसे मैंने पाटिया ये लगा दिया था, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा के। ये जो हर पूजा में करते हैं वैसे ही ये ऋषि पंचमी की मेरे पास पुस्तक थी तो वो रखी है मैंने। और साधारण सी पूजा की है मैंने ऋषि पंचमी की। आज हिंदी में ही बोलने का प्रयास कर रही हूँ मैं। ये जो चावल की ढेरी आप देख रहे होंगे इतनी सारी बनी हुई है, 60 ढेरियाँ तो सप्त ऋषियों का प्रतीक है और ये जो 8वीं बनाई है मैंने ये उनकी ऋषि पत्नी अरुंधति का प्रतीक है। अब ये इस तरह से मैंने ये 8 चावल की ढेरियाँ बना दी और इनको कुमकुम चावल, हल्दी और मौली का वस्त्र चढ़ा के पूजा कर ली और पहले गुड़ जिमा दिया और उसके बाद में मैंने ये जो व्रत का सामा बनाते हैं वो भी चढ़ा दिया, सब पर जिमा दिया मैंने। तो इस तरह से हमको ये सोचना चाहिए कि हमने सप्त ऋषियों और उनकी पत्नी को जिमा दिया, ऐसे मन में ऐसा संकल्प लेके जिमाना चाहिए। और उसके पहले, सबसे पहले तो मैंने ये क्या है, यहाँ सुपारी पड़ी हुई है, ये गणेश जी का रूप रहती। सबसे पहले तो मैंने सुपारी चढ़ा के, मतलब सुपारी को गणेश जी मान के उनकी पूजा कर ली थी, कुमकुम हल्दी चावल और ये मौली का वस्त्र चढ़ा के फिर ऋषियों की पूजा कर ली। और ये मैंने कलश और नारियल हर पूजा में रखते हैं, नारियल भी चढ़ाते हैं, श्रीफल और दीपक लगाते हैं। और उसके बाद सारी पूजा करने के बाद में मैंने ये ऋषि पत्नी को सुहाग की चीज़ें चढ़ाई। इसमें ये चुनरी है और ये बिंदी का पत्ता है और ये बिछिया चढ़ाई मैंने। तो ये कुछ भी सुहाग की चीज़ें उनको चढ़ानी चाहिए ऋषि पत्नी को। अंत में मैंने कथा कर ली थी और इस तरह से मैंने ऋषि पंचमी का ये व्रत की पूजा की है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आज के इस चलचित्र का अंत करती हूँ। तो अब आपसे विदा लेती हूँ। विदा।